रोशनी सिर्फ आपका नाम नहीं बल्कि आप खुद रोशनी। जब प्यार की आग सुलगती मोहब्बत जितनी भी हो थोड़ी सी लगती है। जब इश्क तमन्ना जलती She's very pretty, Bobs. Very graceful. फिर कोई मसीहा आता जलते गुलाबों को देखा तपते चरागों को देखा जलते गुलाबों को देखा तपते चरागों को देखा जब ताजा गुलाब है जलता। पूरे घर में बिरयानी की खुशबू हो गई है। पता है सोते सोते मुझे भूख लग गई। हाँ आज संडे है तुम्हारे बाबा भी घर पर हैं और तुम सुबह नमाज पढ़कर नाश्ता किए बगैर सो गई। बस सोचा कि आज फिर अपने हाथ से बिरयानी बना लूं। पुदीने की चटनी भी है। और ये मम्मी जॉन पता है बिरयानी भी आप ही की तरह प्यारी प्यारी होती है। बटर लगाओ खूब। अरे हाँ आज तो संडे है अदीबा आंटी भी घर पे होंगी। आप मुझे ना एक प्लेट बिरयानी दे दें मैं उन्हें दे के आती हूँ वो खुश हो जाएंगी। एक तो मुझे तुम्हारी और अदीबा की दोस्ती समझ नहीं आती है। दोस्ती हम उम्रों में होती है बेटा। जो एक तो ये जब से अदीबा हमारे घर किराए पर रहने के लिए आई है ना तब से मेरी बेटी तो मेरे हाथ से गई। अच्छा ना मम्मी ये ट्रे उठाए कहाँ जा रही हो? मैं यहाँ बैठा हूँ। बाबा ये आपके लिए नहीं है। मम्मी ने मजेदार बिरयानी बनाई है अदीबा आंटी के लिए लेके जा रही हूँ ताकि वो गरम गरम खा ले। यानी मजेदार बिरयानी अदीबा आंटी के लिए है? हमें लग रहा है कि तुम हमारी बेटी नहीं रही हो अब अदीबा आंटी की बेटी हो गई हो। वैसे अदीबा आंटी मेरी आंटी है आपकी नहीं। हाँ बस वक्त गुजरने का अंदाजा नहीं हुआ। अब तो हम भी सारी दुनिया के अंकल हो गए। मैं ये दे के आती हूँ। ओके ओके जाओ। आंटी 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 अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। ये लीजिए गर्मा गर्म बिरयानी। संडे है इसलिए सुबह से बिरयानी बना रही हो। तुमने बनाई है? आंटी मैं बिरयानी बनाऊंगी। भाई देखें जिसकी इतनी प्यारी मम्मी हो उसे बिरयानी बनाने की क्या जरूरत है। बिरयानी आसिया ने बनाई है जी। तुम वैसे सीख लो बिरयानी बनाना नहीं तो तुम्हारे बच्चों को सिर्फ नानी के घर में बिरयानी मिलेगी। यानी इतना पढ़ने के बाद मैं बच्चों के लिए बिरयानी बनाऊंगी। सिर्फ पूरा साइड बिजनेस नहीं है काफी फायदा होगा। रोशनी बिरयानी। आंटी मजाक कर रही हूँ। आसिया को मेरी तरफ से शुक्रिया कहना। अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे। तुम्हारे दम से ही तो इस घर के चारों तरफ रोशनी है। ठीक है थैंक यू। रोशनी नहीं आई अभी तक। अपनी अदीबा आंटी के पास गई है। घंटे भर से पहले तो कभी भी नहीं आएगी। पता नहीं क्या मंत्र पढ़ के फूंक दिया है अदीबा ने। दीवानी हो गई है उसकी। वही मोहब्बत से तो जानवर भी राम हो जाते हैं। वो तो फिर शफीक मिर्जा की बेटी है। उसकी अपनी बेटी नहीं है ना इसलिए उसे एहसास ही नहीं है कि बेटियों की फिक्र क्या होती है। एक बेटा ही है जो दूसरे शहर रहता है। आप भी चाहती थी कि ऊपर का पोर्शन किसी ऐसे खानदान को दिया जाए जिसमें बहुत कम अफराद हो। अब इससे छोटी और फैमिली तो हो नहीं सकती। मेरे कहने का मतलब ये था कि हमारी अपनी फैमिली भी तो छोटी सी है ना। ये बड़ी फैमिली का वो बच्चे शोर शराबा कचर पचर बर्दाश्त नहीं होता। कचर पचर अच्छा लफ्ज। यानी आपने ये लफ्ज अपनी खास डायरी से निकाला है। कचर पचर मा, मा, मा। एक मिनट अब देखना आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अब आपको आराम मिलेगा। ये
ये क्या कर रही हो? बैंडेज कर रही हूँ। वो तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन ये तो पड़ोसियों की बिल्ली है, कचरे में सारा वक्त बाहर फिरती रहती है, इसे निकालो यहाँ से, हटाओ। मम्मी, जब मैंने इसे देखा तो ये बाहर लंगड़ा रही थी, शायद ये कहीं से स्लिप होके गिरी है या इसे किसी ने मारा है। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने उसे वहां देख लिया, इसलिए बैंडेज करने के लिए यहाँ ले आई। बेचारी बिल्ली। बिल्ली और बेचारी। मम्मी, आखिर इंसानियत भी कोई चीज होती है। ये इंसान है? मैं अपनी इंसानियत की बात कर रही हूँ, आखिर मैं भी तो इंसान ही हूँ ना। बाहर निकालो इसे, फौरन से पेशतर बाहर निकालो और अच्छी तरह से हाथ धो जाकर। नहीं नहीं प्लीज, थोड़ी देर के लिए इसे यहाँ रहने दीजिए प्लीज। मैं कह रही हूँ इसे निकालो यहाँ से। अच्छा ना मम्मी, आपको पता है अगर मैं इसको ना देखती ना तो इसकी टांग भी जाया हो सकती थी, वो तो अच्छा हुआ कि मैंने इसे देख लिया। इसीलिए मैंने कोई पेट नहीं अब तक रखा, सारा वक्त गंदगी फैलाते रहते हैं और सफाई करना मुश्किल हो जाता है। तुम मेरी बात ना मानना, हर दफा किसी न किसी को उठाकर ले आती हो। आप प्लीज इसे थोड़ी देर के लिए रहने दीजिए। मुझे नहीं पता, मेरी बात भी नहीं सुनती हो कोई। करी दिखाओ। बिल्कुल ठीक। चलो अब आप आराम करो, आप देखना थोड़ी देर बाद आप ठीक हो जाओगी। चाय नजर नहीं आ रही? आ गई आ गई आ गई, वो दूसरे कामों में मसरूफ था, मैंने कहा चले मैं जल्दी से ले आती हूँ। मुझे आज जल्दी आना है ऑफिस, अब देर हो रही है। कहाँ है रोशनी? अपने कमरे में। तो उसने जाना नहीं है आज? अच्छा आप शुगर और दूध ऐड कर ले, मैं उसे बुलाती हूँ। यहीं खड़ी रहोगी या कॉलेज भी जाना है? मूड नहीं हो रहा मम्मी, आप देखिए ना कितने बादल हैं, लग रहा है बहुत तेज बारिश होने वाली है। बेटा तुमने कौन सा पैदल जाना है, कार में जाना है ना? जब बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है ना तो मुझे बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है जैसे ये बिजली मुझ पे गिर जाएगी। क्या कर सकती हूँ, ये डर तो तुम्हारे साथ बचपन से है, और किसी चीज से तुम्हें डर नहीं लगता। पढ़ना तो तुमने है ना बेटा, शौक तुम्हारा है, तुमने जाना है, मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं कर सकती। अपने डर पे काबू पाने की कोशिश करो, बड़ी हो गई हो। तो आज छुट्टी के मूड में है। क्या बात है, तबीयत ठीक है उसकी? खैर ये बादल बहुत गहरे हैं और बारिश होने वाली है तेज। अरे भाई, महकमा मौसमियात की कभी कोई पेशीन गोई सही हुई है? और फिर उसने कौन सा छतरी लेके पैदल जाना है? आप जानते हैं ना कि वो बादलों के गरजने से कितना डरती है, आज वो कमरे से बाहर नहीं निकलने वाली। मौसम देख के कभी किसी ने काम रोके? आखिरी साल है उसका मेडिकल का, और इतनी लापरवाही, मैं जाके देखता हूं। आप जाने, आपकी बेटी। क्या देख रही हो? अस्सलाम वालेकुम। देखती रहो, मौसम देख के घबरा रही हो? अपनी किताबें उठाओ, नाश्ता करो और कॉलेज जाओ। लेकिन बाबा। बाबा बाबा कुछ नहीं,
देखो बेटा, जितना इस खौफ को अपने सर पे तारी करोगी ना, उतना ये तारी होता जाएगा। बाबा, मुझे किसी से डर नहीं लगता। देखो रोशनी, तुम हमारी इकलौती औलाद हो। माँ बाप के चले जाने के बाद तुम्हें जिंदगी अकेले ही गुजारनी है, और उसके लिए तुम्हें बड़ी हिम्मत की जरूरत है बेटा। बाबा आप जानते हैं ना, मैं बहुत बहादुर हूँ। मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता, चोर और डाकू से भी डर नहीं लगता, लेकिन जब आसमान पर बादलों का कड़ाका होता है ना, तो बेटा ये कड़ाका सुन के जिंदगी रुक तो नहीं जाती ना, जिंदगी तो उस तरह चलती रहती है। चलो ये खौफ दिल से निकालो, ये किताबें लो, आओ नाश्ता करते हैं पहले। घबराया मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सलमान मामा, कैसी हैं आप? के बच्चे बता के क्यों नहीं आए? अरे बताता तो अपनी मामा को सरप्राइज कैसे देता। बच्चे इस तरह सरप्राइज देते देते किसी दिन तुम्हारी मामा को हार्ट अटैक हो जाएगा। अरे आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, बहुत सारे लोग आपके लिए दुआएं करते हैं। हाँ ये तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि लोग दिल से तुम्हारी माँ के लिए दुआ करते हैं, कि बच्चों की खुशी के लिए दुआ करते हैं। बच्चों की? मैं तो एक ही बच्चा हूँ आपका। रमना भाभी कह रही थी कि तुम लोग अपने पोर्शन का किराया बहुत कम ले रहे हो, इतने में तो आजकल टू बेड अपार्टमेंट नहीं मिलता। औरतों का यही नाशुकरापन है कि उन्हें जितना मिलता है वो उन्हें हमेशा कम लगता है। अरे भाई, अदीबा बेचारी एक एनजीओ चला रही है, दुखी इंसानियत की खिदमत कर रही है। अखलाकियात का तकाजा तो ये है कि हमें उससे किराया भी वसूल नहीं करना चाहिए। क्या हो गया आपको? क्या कह रहे हैं आप? मतलब फ्री में उठा के पोर्शन दे दें अपना? नेकी के काम में ताबुन करना चाहिए, बल्कि हमें तो ये पोर्शन डोनेट कर देना चाहिए। आप एकदम ही एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। लोग एनजीओस के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, अब खुदा जाने। तुम्हारे सामने तो बताया उसने कि किस तरह अदीबा इस एनजीओ के तहत दुखी और बेयारो मददगार खवातीन की खिदमत कर रही है, फिर भी तुम्हें शक है। मेरे लिए नई परेशानी और भी है। वो क्या? ये जो रोशनी अदीबा के साथ 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 लगी रहती है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अदीबा एक उम्र गुजार चुकी है, जवान बेटे की माँ है, रोशनी बच्ची है अभी, बेकार में खुदाई खिदमतगार बनने की कोशिश कर रही है, और अक्सर तो वो कॉलेज से सीधी अदीबा के ऑफिस से ले जाती है। खुदा का शुक्र अदा करो आसिया कि तुम्हारी बेटी एक दर्दमंद दिल रखती है, बिला वजह के फजूल शौक नहीं पाले हुए उसने। ये जो एनजीओज होती हैं, ये क्रिमिनल्स को भी तो डील करते हैं। मैं अपनी बेटी को इस उम्र में इतनी आजादी देने के हक में बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा ये तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं जानता हूँ मुझे अपनी बेटी को किस तरह लेके चलना है। मैं उसे उसके कदमों पे मजबूती से खड़ा हुआ देखना चाहता हूँ। अपनी मर्जी किए जाए, फिर आपकी जिम्मेदारी, मैं कुछ नहीं जानती। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, तुम इस वक्त कैसे आ गई? मत पूछिए, कॉलेज में यूनियन के लड़कों का आपस में फड्डा हो गया, एक हंगामा खड़ा कर दिया। फिर होना क्या था, उन लड़कों ने सारी लड़कियों को एक क्लासरूम में बंद कर दिया। अब सोचिए, एक क्लासरूम और इतनी सारी लड़कियां, कोई खिड़की से देखता ना तो लगता कि लड़कियों का पोल्ट्री फॉर्म खुला हुआ है। कोई भी सीट पर नहीं बैठी हुई थी, हर कोई खिड़की से झांक रही थी इधर उधर। फिर मुर्गियां निकली कैसे डरबे से? शुक्र है कि सर हाशिम वहां आ गए और उन्हें हम लड़कियों पे तरस आ गया। उन्होंने लॉक खोला जाकर और फिर कहा कि सीधे निकलो, पीछे पलट के मत देखना। फिर क्या था, सबने सर पे पांव रखे और भाग गए। सर पे पांव रखे तो भागी कैसे? उर्दू में इसी तरह भागते हैं। अच्छा, फिर इंग्लिश में कैसे भागते हैं? इंग्लिश में अच्छा छोड़ो,
वरना हर जुबान में भागने का सोचना पड़ेगा। बैठो। हाँ ये भी ठीक है, सही कह रही हैं आप, बहुत थक गई हूँ मैं। अच्छा चाय पियोगी, कुछ खाने को मंगवाऊं? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, मैंने सोचा घर जाके क्या करूंगी, बोर होंगी फिर सो जाऊंगी, यहाँ आकर आपको कुछ हेल्प कर दूं। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, लेकिन अम्मी को फोन करके बता दिया? जी जी उनको तो मैंने बता दिया था। अच्छा ये बताएं कि आज आप हॉस्पिटल जाएंगी, अब बानू की हालत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है कि अब उसकी हालत खतरे से बाहर है। उसका शौहर आया था, मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि अब यह मामला कोर्ट में है, वो हरगिज तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी। बानू को आपकी बात सुनकर कितना सुकून मिला होगा, वो ये सोच रही होगी कि उसका भी दुनिया में कोई है। हाँ नहीं, चूल्हा फटता है तो हमेशा बहू ही क्यों जलती है? ये तो वाकई बहुत बुरी तरह जली है। कुछ औरतें तो जागी हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी सो रही हैं। उन सोई हुई औरतों को जगाना बहुत जरूरी है, वरना इसी तरह चूल्हे फटते रहेंगे और तेजाब की बोतलें बिकती रहेंगी। बेटा तुम दोनों की दोस्ती मुझे समझ नहीं आती है, बेजोड़ सा ताल्लुक है ये। अरे मम्मी केमिस्ट्री मैच होना चाहिए। बस बेटा बस, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री मुझे मत पढ़ाओ। अपनी अम्मा को फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं सिर्फ पट्टियां पढ़ाया करो, शायद बात बन जाए। लो जी फिर मूड खराब। बाबा आप मम्मी को समझाते क्यों नहीं है? बेटा समझाया उसे जाता है जो समझदार हो। जिसको समझाना चाहिए उसे तो आप समझा नहीं रहे, उल्टा हाथ धो के मेरे पीछे पड़ जाते हैं। वाह आप लोग कितनी बामहावरा बात करते हैं और मेरी उर्दू उतनी बुरी है। हाँ बेटा जब तुम हर बात अदीबा आंटी से ही सीखोगी, माँ बाप से नहीं सीखोगी तो फिर शिकवा कैसा? आज नहीं तो कल आपको इस चीज का एहसास हो जाएगा कि मैं बेपर की नहीं उड़ाती, सोच समझ कर बात करती हूँ। अल्लाह आप लोग इतने सारे मुहावरे कैसे बोल लेते हैं? पता है एक बार मैंने उर्दू के पेपर में मुहावरा लिखने की कोशिश की थी, तमाशा ही बन गया, टीचर ने सबके सामने मेरे मजाक उड़ाया था। तो क्या लिख दिया तुम? याद नहीं है, सुना दूं? हाँ हाँ बता दो, हमको तुम्हारे सख्तगीर टीचर नहीं है, हम तो तुम्हारे शफीक बाप हैं। हाँ मारू आंख फूटे घुटना। वाह वाह आंख मारने से घुटना फूट जाए। अच्छा ये तो बहुत उम्दा तुमने लिखा है वाकई, ये तो कमाल कर दिया है। इसका मतलब ये है कि फिर तो हमारी आसानी हुई, आंख मारेंगे और काम हो जाएगा हमारा। ये उल्टा था, मारो घुटना फूटे आंख। देखिए बीबी हौसला करें, इस तरह रोने धोने से कुछ नहीं होगा, आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। मैडम क्या बताओ, उस जालिम ने बहुत सताया, अब भी बाज नहीं आ रहा, बोलता है अगर खुद से ना आई तो उठा कर ले जाऊंगा, तेजाब फेंक दूंगा। रोशनी रुक क्यों गई, अंदर आओ। रोशनी ये ताज बीबी है, मैंने तुमसे इनका जिक्र किया था ना, इनकी बेटी को रोज बहुत बुरी तरह मार पड़ती है, यहाँ तक कि मोहल्ले वाले उसे उठाकर हॉस्पिटल लेके जाते हैं बार बार। अब इन्होंने अपनी बेटी को अपने पास बुला लिया है और उसे खुला दिलवाना चाहती है। समझ में नहीं आता कि लोग अपनी बेटियों को निकाह के वक्त हक तलाक क्यों नहीं दिलवाते, जब इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है और लड़की का हक भी है। अब उसका शौहर बहुत बुरी धमकियां दे रहे हैं, यहां तक कि कह रहे हैं कि तेजाब फेंक देगा उस पर। आंटी आप फौरन इनकी बेटी को शेल्टर होम लेके जाएं।
आप फिक्र ना करें, हम हर तरह से आपकी मदद करेंगे। ये बच्चे कौन है? ये मेरी बेटी है, डॉक्टर बनने वाली है, लेकिन मेरे काम में मेरी मदद भी करती है। तुम कॉलेज से आ रही हो? अम्मा को फोन करके बता दिया था? जी आंटी, प्लीज आप जल्द से जल्द इनकी बेटी की मदद करें। ये तेजाब फेंकने की धमकी देने वाले एक दिन फेंक भी देते हैं। अगर हम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन पर किसी को प्रोटेक्शन दे सकते हैं तो उसमें देरी क्यों? जो तुम सोच रही हो मैं भी वही सोच रही हूँ। अब तुम घर जाओ, हम रात को मिलते हैं। नहीं नहीं, मैं आप ही के साथ चलूंगी। रोशनी, जो ले जाने वाली जगह होती है वहां मैं तुम्हें जरूर लेके जाती हूँ। अब चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। चलिए ताज। यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम जिन्नो भूतो। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है कि आपने हमारी हकीकत जल्दी पहचानी। इसे बहुत बहादुर हो तुम, डरती नहीं हो जिन्नो भूतों से? जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बड़े दिनों बाद आई हो। हमारे घर पे तो हर वक्त मेहमान होते हैं, और अभी तो बेबी आपा और उनके बच्चे और उनकी नन साहिबा सब आए हुए थे। अरे आंटी, घर पे तो इतना शोर होता है, बच्चे इतना शोर करते हैं, मैं वहाँ पर पढ़ ही नहीं सकती, इसलिए तो आई हूँ यहाँ पर। रोशनी बेटा, जिया को कुछ खाने पीने के लिए पूछो। थैंक यू आंटी। वैसे तुम कितनी खुश नसीब हो जिया कि तुम्हारे इतने सारे भांजे और भतीजे। अच्छा आंटी, एक काम करें, आप इसको मेरे घर भिजवा दें और मुझे अपने घर अपनी बेटी बना कर रख लें। आंटी, घर में बच्चों का इतना शोर होता है ना कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकती, मैं पढ़ तो बिल्कुल भी नहीं सकती वहाँ पर। अम्मी कहती है ऊपर जाके पढ़ लो, बेबी आपा के बच्चे ऊपर शोर मचा रहे होते हैं, वो कहती है नीचे जाके पढ़ लो, मैं कहाँ जाऊँ? तो बेटा, इसमें परेशानी की क्या बात है, ये भी तुम्हारे घर है, जब चाहे आओ, जब चाहे पढ़ो बैठो। क्या करें भाई, मेरा कोई बेटा नहीं है, तुम्हारा कोई भाई नहीं है, वरना मैं तुम्हें बहू बना के बहुत खुश हूँ। अरे नहीं आंटी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं जानती हूँ बेटा, मैं कह तो रही हूँ तुम्हारा अपना घर है बेटा, जब चाहे आओ। रोशनी, इसे ले जाओ ऊपर, और बेटा कुछ खाने पीने के लिए भी पूछो इसको, बल्कि जिस चीज की ख्वाहिश है मुझे बता देना, मैं जा रही हूँ किचन में बनवा दूँ। थैंक यू सो मच आंटी। लव यू बेटा। चले चलो। सलमान मामा, कैसी हैं आप? माँ बच्ची बता के क्यों नहीं आए? अरे बताता तो अपनी मामा को सरप्राइज कैसे देता। बच्चे इस तरह सरप्राइज देते देते किसी दिन तुम्हारी मामा को हार्ट अटैक हो जाएगा। अरे आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, बहुत सारे लोग आपके लिए दुआएं करते हैं। हाँ, ये तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि लोग दिल से तुम्हारी माँ के लिए दुआ करते हैं, कि बच्चों की खुशी के लिए दुआ करते हैं। बच्चों की? मैं तो एक ही बच्चा हूँ आपका। उन्हें थोड़ी पता ना, तुम दुआएं जमा करो। अच्छा सुनो, इस वक्त मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे कहीं जाना है, पुलिस मेरा इंतजार कर रही है। पुलिस? आपने क्या किया? जो कुछ करते हैं पुलिस उनका इंतजार नहीं करती, बल्कि उनकी तलाश में मारी मारी फिरती है। बेवकूफ एडवोकेट। एडवोकेट बेवकूफ नहीं, वीआईपी होता है। हर माँ के लिए उसका बच्चा वीआईपी होता है। अच्छा अब मैं जल्दी में हूँ, फ्रिज में खाना पड़ा है, जो जी चाहे निकाल के खा लेना। आप बेफिक्र रहे, लंदन में ये सब कुछ मैं खुद ही करता। हाँ हाँ, सरप्राइज हो गए तो यही होगा, और मुझे पता है तुम्हें सब खाना बनाना आता है। वापस आके मैं तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। इंतजार करो, वापस आके बात करूंगी। बाय। वो आंटी, चोर? जब ताजा गुलाब है जलता। जब ताजा गुलाब है।
मम्मी हम लोग अंदर स्टडी कर रहे हैं तो जिया को कुछ खाने के लिए चाहिए तो दे दें कुछ। खाना बनने में तो बेटा अभी टाइम है, तुम ऐसा करो फ्रूट सैलेड रखा हुआ है फ्रिज में वो ले जाओ। फ्रूट सैलेड? वो तो मैं दीबा आंटी के लिए लेके जाऊंगी, उन्होंने मुझे कल ही बताया था कि वो आज ऑफिस नहीं जाएंगी, घर पर ही होंगी। वो नाश्ता वाश्ता कर चुकी होंगी, हर वक्त उनके पास जाने के बहाने ढूंढती है। मियां दीबा आंटी कितनी अच्छी हैं, पता नहीं आपको वो इतनी बुरी क्यों लगती हैं। बात अच्छा या बुरा लगने की नहीं है, बात यह कि तुम उनके अलावा भी कुछ कभी अपने काम सोच लिया करो। सैलेड लेके जाओ, चलो शाबाश। ये लो, ये भी उसमें ऐड कर देना थोड़ा सा। धनिया हरी मिर्च काट लिए? ठीक है। हां जी, ये लो जिया, ये फ्रूट सैलेड खाओ। तुम्हें पता है इसमें D3, जिंक, आयरन, पोटेशियम सब कुछ सिर्फ एक प्लेट में, और मेरी मामा के प्यार का फॉलिक एसिड। बैठे बैठे थकोगी नहीं तुम? ये सब कुछ तो इन किताबों में भी है, तुम प्लेट में रखकर क्यों ले आई? ओ हाँ, आकर बात कर, तब तक मैं आंटी की तरफ से चक्कर लगा के आती हूँ, तुम ही खा लेना। आंटी आप कहाँ हैं? देखिए मैं क्या लाई हूं आपके लिए। आंटी आंटी चोर 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 क्या क्या? आंटी घर में कोई चोर है। अरे खैरियत तो है, क्या हुआ? क्या हुआ रोशनी, कहाँ है चोर? चोर तो रात में आते हैं, दिन में तो डाकू आते हैं। वो तो जल्दी हम मुंह से निकल गया, मम्मी मैंने खुद देखा है ऊपर चोर है। कैसे हो सकता है, पता नहीं किसको देखकर आ गई हो, क्या कह रही हो? बाहर गार्ड्स बैठे हुए हैं, पूरे घर में ग्रिल लगी हुई है। लेकिन मेरा यकीन करे वो ऊपर आ गया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं देखती। नहीं मम्मी आप ऊपर नहीं जाएंगी, आपको नहीं पता ये कितने खतरनाक लोग होते हैं ऊपर, अदीबा आंटी भी नहीं है, प्लीज आप नहीं जाए प्लीज। कुछ नहीं होगा आंटी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। हाँ तुम चलो और तुम बैठो यहाँ पे। डरपोक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप गालबन आसिया आंटी हैं, राइट? आंटी ये तो आपको जानते हैं। और तुम अदीबा के बेटे सलमान हो? शुक्र है मुझे किसी ने तो पहचाना, वरना आज मैं सोच रहा था कि मेरी पिटाई पक्की है। वैसे जिसने मुझे चोर चोर कहा था गालबन, वो आप तो नहीं थी? जाओ उसे बुलाओ, बिला वजह का तमाशा खड़ा कर दिया। मैं बुलाती हूँ। उठो आंटी बुला रही हैं। क्या चोर भाग गया? मैंने शोर किया तो वो कैसे भाग गया? तुम उठो तो सही, बुला रही हैं ना वो। मम्मी मुझे क्यों बुला रही हैं? और वो वहां क्या कर रही हैं? तुम खुद चलकर देख लो कि वहां पे क्या कर रही हैं वो। नहीं पहले तुम बताओ, तुम गई थी ना वहाँ, तुमने क्या देखा? जो मैंने खुद देखा ना तुम्हें दिखाने ले जा रही हूँ इसलिए कह रही हूँ, चलो मुझे बताओ तुम ना। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, तुम परेशान क्यों हो रही हो? ओ गॉड, चोर यार! तुम्हारी अदीबा आंटी ने तुम्हें ये नहीं बताया था कि उनका एक अदद बेटा भी है और वो भी पर्सनैलिटी है? इतनी सी देर में तुम्हें ये भी पता चल गया कि वो पर्सन है या पर्सनालिटी? भाई पर्सनालिटी की अपनी एक लुक होती है।
जैसे आंटी ने मुझसे जिक्र किया था कि उनका एक बेटा है, लॉयर है, बड़े से बैरिस्टर के अंदर प्रैक्टिस करता है वगैरह वगैरह। तब भी एक बंदे को घर में देखकर तुम्हें ख्याल नहीं आया कि ये उनका बेटा भी हो सकता है? यार तुम्हें पता है आंटी से मेरी सारा दिन कई मरतबा बात हुई, अगर उन्हें पता होता कि उनके साहबजादे यहाँ तशरीफ ला रहे हैं तो वो मुझे जरूर बताती, सारा घर सजाती, लॉन के सारे फ्लावर्स उनके बेटे के बेडरूम में शिफ्ट हो चुके होते, मगर उन्होंने मुझे बताया ही नहीं, मैं तो शाम में भी उनके साथ थी। हो सकता है मिस्टर एडवोकेट ने अपनी मॉम को सरप्राइज देने का सोचा हो। Maybe. लीव इट यार, अब कुछ और बात करो, बहुत हो गया, अब तो आंटी मेरी क्लास लेंगी। ओहो मुझे चलना होगा यार, दुबई चलो मूवी का एंड हो चुका होगा और बेबी अपा की नन साहिबा अपने चिलर के साथ दुबई एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी होंगी। चलो ओके okay. शायद आंटी भी आ गई होंगी, अबू सलमान उनके सामने मेरा कितना मजाक उड़ा रहा होगा। हद हो गई, उसने तुम्हें चोर कैसे समझ लिया, बेवकूफ लड़की कहेगी। यही बात तो मैं भी सोच रहा हूँ तब से कि चोर और एक लॉयर में कोई फर्क होता है या नहीं। वैसे हमें तो यही बताया था कि लॉयर्स बड़े वीआईपी होते हैं। बेटा इस मुल्क में चोर ही वीआईपी होता है, लेकिन जहां तक रोशनी का ताल्लुक है उसने तुम्हें गौर से देखा नहीं होगा, उसने बस देखा होगा कि कमरे में एक बंदा है और चीखे मार के भागती चली होगी। छोड़े मामा, वो बेचारी पहले ही शर्मिंदा हो चुकी है। हाँ अगर आप उसे बुलवाना चाहें तो बुलवा ले, दूसरी बातें कर लेते उससे। दूसरी बातें? हाँ, इस शहर के मौसम की, हंगामों की, महंगाई की। अच्छा तुम उसे तंग करना चाह रहे? अरे नहीं भाई, मैं उसे क्या खास तंग करूंगा, बल्कि अब तो उसे डर लगने लगा, एक सेकंड में उसने मुझे चोर बोल के मेरी इज्जत खाक में मिला दी। मैं फ्रेश होके आता। चोर से क्या हो गया था? अदीबा आंटी की कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अगर कोई ज़रूरी काम नहीं कर रही हो तो फ़ौरन मेरे पास आ जाओ। खैरियत, आप ऑफिस में हैं? नहीं मैं घर पे हूँ और मैंने एक बहुत मज़े की नई चीज़ बनाई है। नहीं आंटी अभी मैं स्टडी कर रही हूँ, मैं कल आ जाती हूँ, कल मेरा प्रैक्टिकल नहीं है तो मैं कॉलेज से जल्दी आ जाऊँगी। रोशनी अभी तो शाम हुई है, तुम पूरी रात पढ़ सकती हो, मुझे पता है कि तुम जल्दी नहीं सोती। आंटी प्लीज़, बहुत मुश्किल से मूड बना है और आज तो आप अकेली भी नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? सलमान सलमान है और रोशनी रोशनी है, दोनों बिल्कुल अलग अलग हो। वो बेटा है और तुम बेटी हो, और मेरा दिल चाह रहा है मैं तुम्हारे साथ ही खाना खाऊं आज। बस जल्दी से आ जाओ, तुम खाकर वापस चली जाना। चलो मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आओ। थैंक यू। अरे भाई ये चाय भी आप खुद लेकर आ गई, आपने जिसे बेटी बनाया उससे कहना चाय बनाकर पिलाए, खाना वाना पका के खिलाया करे। वो वैसे ही मेरे लिए बहुत काम करती है, ऑफिस के कामों में मेरा हाथ बटाती है, इमरजेंसी सिचुएशंस में आके फर्स्ट एड देती है। अच्छा आओ रोशनी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। चाय पियोगी? नहीं नहीं आंटी थैंक्स। वैसे मामा आप मोहल्ले वालों की काफी खिदमत करती हैं, काफी सवाब मिलेगा आपको। खबरदार जो इसे मोहल्ले वाली कहा, मेरी बेटी है ये। अच्छा यानी कि मेरी जगह और मेरी मामा पर कब्जा भी हो चुका है। सबकी अपनी अपनी जगह है, तुम्हें जलने की कोई जरूरत नहीं मेरे बच्चे। लोगों ने मुझसे मेरी माँ छीन ली और उल्टा मुझे ही चोर भी बना दिया। तंग कर रहे हो उसे, ये तो शर्मिंदगी की वजह से आ नहीं रही थी। रोशनी तुम इसकी बातों का बुरा नहीं मनाओ, मजाक कर रहे, जहां बैठते हैं रौनक लगा देते हैं।
मजे की बात बताऊं, ये जाली पामिस्ट भी है। जाली पामिस्ट? लोगों के हाथ देख के बड़ी बड़ी पेशन गोईयां करता है, सब अच्छा अच्छा बताता है, कोई बुरी बात नहीं बताता, बस लोगों को खुश करने की कोशिश करता है। अच्छा तो मैं जाली पामिस्ट हूँ? वैसे मेरी मामा को ना कदर ही नहीं, वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर। अच्छा बस मुझे बेवकूफ मत बनाओ, कभी तुमने अपना हाथ देखा? हजारों मर्तबा। और आपको पता है मेरी हाथ की लकीरें कहती हैं कि मैं एक बहुत कामयाब बैरिस्टर बनूंगा, और जिस लड़की से मेरी शादी होगी वो बहुत खूबसूरत होगी, बहुत हसीन होगी, और उसके नाम का पहला हुर्फ मैं नहीं बताऊंगा। बच्चे सबसे पहले तो तुम मुझे यही बताओगे ताकि मैं फजूल में लड़कियां ना देखती फिरूं, बस उसी हुर्फ से शुरू होने वाली नाम की लड़कियां देखूंगी मैं। आंटी क्या वाकई ने पामस्ट्री आती है? वैसे आप डायरेक्ट मुझसे भी बात कर सकती हैं, मैं आपके सामने ही बैठा हूँ। तुम रोशनी का हाथ देख के बताओ कि इसके मियाँ के नाम का पहला हुर्फ क्या होगा और शादी कब होगी? नहीं नहीं ना, रहने दीजिए, मैं नहीं दिखाती हाथ वाथ। अरे ऐसे ही ना, चलो शादी को छोड़ो, तुम्हारे करियर के बारे में पूछते हैं कि तुम न्यूरोलॉजिस्ट बनोगी या नहीं। चलो सलमान बताओ। नहीं नहीं प्लीज। अच्छा सलमान तुम बगैर देखे ऐसे ही बता दो। अरे मामा मैं थोड़ी बहुत पामिस्ट्री कर लेता हूँ, पामिस्ट हूँ, कोई नजूमी थोड़ी हूँ। देखें मैं आपको बताता हूँ कि कितने चांसेस हैं। हाथ में लकीरें हैं वो 2%। जी मामा हाथ पढ़ रहा हूँ अभी। देख रही हूँ आपके हाथ की लकीरें कहती हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं। अकलमंद को इशारा ही काफी होता है और किसी को बात कहकर भी समझ नहीं आती। अच्छा लेकिन मैं आपको अकलमंद तब मानूंगी जब आप ना इशारा करें और ना ही बातें। ये किस जुर्म की सजा दे रहे हो मुझे? आप पोइट्री कर रहे हैं या मुझसे कुछ कह रहे हैं? प्लीज अरे सीमा अंदर आइए और ये मिस को फौरन ले जाइए वॉशरूम में, हाथ में ठंडा पानी डालिए और वो उसके उससे किसी लड़के को फर्स्ट एड बॉक्स निकाले फौरन।